I'm sorry, Diya. पर आज रात के बाद तुम कभी सैड नहीं होगी। Hey, hi, Diya. मैं तुम्हें सब जगह ढूंढ रही थी। अब क्या हुआ? मिखेल को कुछ चाहिए था क्या? नहीं, मुझे चाहिए तुम्हारी हेल्प। वो एक्चुअली आज से पहले मैं कभी डेट पर नहीं गई। किसी लड़के के साथ बाहर जाना ये सब पापा ने कभी अलाउड ही नहीं किया, पर आज मैं किसी से मिलने वाली हूँ। एंड आई थिंक वो बहुत स्पेशल है। तो क्या तुम मेरी हेल्प करोगी? विल यू हेल्प गेट रेडी प्लीज? मैं उसके लिए बहुत स्पेशल लगना चाहती हूँ। पर बेबी, मुझे तो लगा था कि तुम मिखेल से प्यार करते हो। हाँ, मैं प्यार करती थी मिखेल से, पर अब मुझे रियलाइज हुआ कि वो मुझसे कभी प्यार नहीं करेगा, क्योंकि उसे तो हमेशा मुझ में गलतियां ही नजर आती है। पर ये जो लड़का है ना, वो बहुत अच्छा है, बहुत कैरिंग है, और अब तो हमारी दोस्ती भी हो गई है। तो प्लीज तुम मेरी हेल्प करोगी? थैंक यू। You're a magician. Great. वैसे एक बात पूछनी थी। जिस लड़के का अभी-अभी ब्रेकअप हुआ है, क्या उसे फिर से प्यार हो सकता है? हाँ, definitely हो सकता है। Why not? क्या? You're right. Obviously, वैसे भी अब वो दोनों एक दूसरे से प्यार तो नहीं करते। और तुमने कहा था ना कि ऐसा कोई रीजन नहीं होता जिसके लिए हम अपना प्यार छोड़ दें। हमें उसके लिए हमेशा लड़ना चाहिए। थैंक यू दिया। ओके, आई थिंक आई शुड गो नाउ। वो मेरे लिए शैक पर वेट कर रहा होगा। ओके बेटी, देखना तुम्हें ऐसे देख के ना से आज ही तुमसे प्यार हो जाए। दोबारे जिया बिन तेरे पिया सुन मेरी ताल, मैंने तुझसे रची ओ मेरे दिल, क्यों रो रो के खिल क्यों जाता है? तेरी मंजिल तो परछाई है, तेरे जो पास हो के भी दूर क्यों है रुकी मेरी तन्हाई? तेरे बिन चाई तू सता हो ये मन बोले जिंदगी अब दूरी बिन तेरे तू मेरी दासता हो ये मन बोले। थैंक्स, बाय। तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे? वाओ, तू कितनी प्रिटी लग रही है यार। मैंने तुझे आज तक ऐसे कभी नहीं देखा। आई नो,
अगर मैं लड़का होती ना तो आज रात में सच रोमांस रोमांस और फिर किसिंग और शिशिंग कर लेती। आज तो कांड होना ही था, लेकिन ये गलत है यार। तूने मिखेल के साथ डेट पे जाना था और हैरी के साथ जा रही है। शट अप गाइस, ये डेट नहीं है, फेक डेट है। क्योंकि रिया को जेलस करना है। ओके सो सब रेडी है ना? यप। रोमांटिक म्यूजिक रेडी, रोमांटिक खाना रेडी, और रोमांटिक शैंपेन रेडी, रोमांटिक डांस फ्लोर रेडी, रोमांटिक लाइट्स रेडी। लेट्स गो, उन दोनों का वेट करते हैं। जिस लड़के का अभी अभी ब्रेकअप हुआ है, क्या उसे फिर से प्यार हो सकता है? ऐसा कोई रीजन नहीं होता जिसके लिए हम अपना प्यार छोड़ दें। मुझे जाना चाहिए, एक बार जाके हैरी से कहना चाहिए कि मैं अभी भी उससे बहुत प्यार करती हूँ। और वैसे भी मुझे इतनी जल्दी कैसे भूल सकता है? अशर को लेकिन अगर उसने मुझे कहा कि He doesn't love me anymore then. नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। आखिर वो अब क्या करता है, इससे मुझे क्या मतलब? मेरी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है। आई एम नॉट गोइंग टू बैक फॉर लव। कहने में क्या जाता है? What if he actually loves me? And if I don't go, I'll never know. I should go. हैरी अब तक आया क्यों नहीं? उसे आ जाना चाहिए अब तक। गाइस, आई थिंक ही इज हियर। दिया ने देख लिया तो उसे पता चल जाएगा प्रैंक है। यू गाइस गो होम, मैं तुम लोगों को घर पे मिलती हूँ। गो गो जल्दी। वेट कर रही थी, नहीं आया अभी तक। गुड, फिर तो मैं करेक्ट टाइम पे। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? मिकेल, कर क्या रही हो तुम? हाँ, शर्म नहीं आती तुम्हें? दिया तुम्हारी दोस्त है। छोड़ो मुझे मिकेल, मुझे दर्द हो। रियली? तुम हैरी के साथ फ्लर्ट कर, दिया को कितना दर्द होगा? और ये सब बंद नहीं हुआ ना तो तुम्हारे साथ वो करूंगा कि दर्द का असली मतलब समझ आ गया। मैं किसी के साथ फ्लर्ट नहीं कर रही हूं। शट अप, मैंने खुद देखा अपनी आंखों से तुम दोनों के साथ एक दूसरे के ऊपर गिरे जा रहे। हैरी वो है ये जिससे प्यार करती है, तुम तो उसके साथ कैसे फ्लर्ट कर सकती हो? डैमिट यार,
प्यार का मतलब भी तुम्हें पता है निखिल? क्या खुद के अलावा कभी किसी और से प्यार किया है तुमने? कभी कभी लोग किसी से प्यार तो करते हैं पर दूसरे का प्यार समझ नहीं पाते। उन्हें प्यार का मतलब तब समझ आता है जब उनका प्यार कहीं दूर चला जाता है, कहीं खो जाता है। और प्यार खोने का डर ही उन्हें अपने प्यार के पास वापस लेकर आता है। लोग प्यार में अंधे ही नहीं होते मिखेल, प्यार को समझने में भी अंधे होते। प्यार हमारे सामने होता है पर हम उसे पहचान नहीं पाते। प्यार के बिना जीते चले जाते पर जब वही प्यार हमें हमसे दूर जाता हुआ नजर आता है ना, तब हम हमारा ईगो हमारा डर सब भूल कर सिर्फ उस प्यार को पाने की कोशिश करते हैं। प्यार जितना मिलना मुश्किल है ना, उससे कहीं ज्यादा प्यार को समझना मुश्किल है। क्या मैं वही चाहती हूँ, मैं वही कोशिश कर रही हूँ। यह आपको रियलाइज करवाना चाहती हूँ कि ऐसा कोई इंपॉर्टेंट रीजन नहीं है जिसके लिए वो अपना प्यार छोड़ दे। प्यार पाकर खो देना सबसे बड़ा लॉस है। तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम्हारी तो रोमांटिक डेट थी ना बीवी के साथ, तुम्हें तो वहां होना चाहिए था। सच अ फूल ना दिया, तुम्हें लगता है तुम्हारे अलावा मैं किसी और के साथ डेट पे जा सकता हूं? डू यू हैव एनी आइडिया कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं? वो सब वो प्रैंक था, द लव ऑफ माय लाइफ के साथ डेट पे जाने का। मैंने सारे अरेंजमेंट्स करवा दिया शैक पे और फिर मैंने सोचा कि तुम जेलस होके मेरे पीछे पीछे दौड़ के वहां पर आ जाओ और फिर हम दोनों क्यूट सा रोमांस करेंगे। बेबी बेबी तो सिर्फ मेरी हेल्प करी है। It's always been you, my friend. It'll always be you. लेकिन तुमने इसके पहले अब मैं बोलूंगा और तुम सुन। मैंने जो भी किया सही है या गलत इस बात पे हम आर्ग्यूमेंट नहीं करेंगे, बट आई जस्ट वांट यू टू नो कि मेरे रीजंस गलत नहीं थे। मैं मर जाऊंगा पर तुम्हें और मिकेल को कभी बिट्रे नहीं करूंगा और तुमसे ज्यादा मुझे कोई नहीं जानता। आर यू टेल मी क्या मैं अभी भी झूठ बोल रहा हूं? ओ हाँ, और एक सच है कि मैं नेत्रा से बहुत नफरत करता हूं।
लगता है हैरी नहीं आएगा। मैंने इतनी सारी प्रिपरेशन की, इतनी अच्छी ड्रेसअप भी हुई, और मेरा सो कॉल डेट, मेरा सारा प्लान फ्लॉप कर दिया। तुम मुझे घर ड्रॉप करोगे प्लीज? तुमने इतना सब कुछ प्लान किया, ये सब वेस्ट नहीं जाना चाहिए। ये सब हैरी दिया के लिए, राइट? तो थोड़ी देर के लिए हम दोनों प्रिटेंड करते हैं कि हम दोनों हैरी। ओके। आज बहुत अलग लग रहा है, बहुत बड़ा। का मतलब भी तुम्हें पता है निखिल? तो खुद के अलावा कभी किसी और से प्यार किया है तुमने? तो प्यार में अंधे ही नहीं होते निखिल। प्यार को समझने में भी अंधे हो जाते हैं। प्यार हमारे सामने होता है तो भी उसे पहचान। मुझे निखिल से प्यार हो गया।